नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा थाना दिबियापुर के अंतर्गत पपुन चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ यादव, थाना प्रभारी दिबियापुर राम सहाय, अन्य अधिकारी कर्मचारी गण तथा समस्त दिबियापुर नगरवासी उपस्थित रहे। नगरवासियों ने पुलिस अधीक्षक को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन एवं शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा नगरवासियों को संबोधित किया गया एवं उन्हें विश्वास दिलाया कि पुलिस सहायता केंद्र के होने से अपराधों में कमी आएगी एवं पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने बताया कि नगर दिबियापुर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या आती है तो वह पुलिस सहायता आसानी से पा सकेगा। उन्होंने बताया कि अपराध पर काबू पाने के लिए शहर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जिससे अपराध को रोका जा सके। थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर बनी चौकी का शुभारंभ किया गया, क्या इसका उद्देश्य रहेगा और क्राइम पे कंट्रोल इसका कैसे किया जाएगा? देखिए, ये शहर का एक बहुत प्रमुख चौराहा है, पपुन चौराहा है। ये सिटी को भी कनेक्ट करता है और अन्य जनपदों से भी हमारे शहर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक पुलिस सहायता केंद्र हमारे द्वारा शुरू किया गया है ताकि हम यहाँ पर अच्छे तरीके से चौराहे को भी मैनेज कर सकें। वहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधि हो यहाँ पर रह के हम उसको भी रोकथाम कर सकते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कर सकते हैं तथा क्योंकि ये मुख्य बाजार के जस्ट नियर बाई है तो यदि किसी की कोई समस्या भी होती है तो वो समस्या को तत्काल यहाँ पर आके बता सकता है और उसका निराकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। हमारी ये भी अब पहल है कि यहाँ पर CCTV कैमराज भी चौराहे पर हम लोग लगाएँ, तो वो भी एक प्रक्रिया है जो हम शुरू कर रहे हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए औरैया से संवाददाता SK यादव की खास रिपोर्ट।